सकते हो आप सब लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एट कैफे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड मैं आज आपके लिए हरियाणा पुलिस की कट ऑफ लेके आया हूँ। फ्रेंड आइए जानते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, उसके बाद ये कट ऑफ लेके आ रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने जो कट ऑफ बताई है वो काफ़ी हाई बताई है। इतनी हाई तो नहीं जाएगी, थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे ने इस बार जो पेपर का लेवल था वो देखा था कि काफ़ी टफ था पेपर का लेवल, तो इसीलिए आपकी जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम रहने के ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी कट ऑफ के बारे में, कितनी रह सकती है आपकी कट ऑफ। चलिए फ्रेंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक बात फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि फ्रेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। चलिए फ्रेंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड कट ऑफ देखने से पहले हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि हमारे कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और कितने स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं और कितने नॉट क्वालिफाइड रहे हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट डाटा समझ में आ जाए और हमारी कट ऑफ भी एक सटीक कट ऑफ बन पाए। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अब। फ्रेंड जो आपका एग्जाम था उसके अंदर 38,547 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल आया फ्रेंड, उसके अंदर 29,229 कैंडिडेट आपके क्वालिफाई किए गए फिजिकल में, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, मतलब अपने एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, उन बच्चों से फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता है फ्रेंड। फिर फ्रेंड बात करते हैं डीवी, इसमें डीवी में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं 27,000। फ्रेंड हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी थी उसमें अदर स्टेट से भी काफ़ी बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो इसीलिए अदर स्टेट के कैंडिडेटों की बात की जाए तो फ्रेंड वह 3800 कैंडिडेट हैं जो इस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई हुए हैं और उन्होंने अपना फिजिकल भी और डीवी भी करवा लिया है। तो 3800 है ना फ्रेंड, ये 27,000 के अंदर से ही है। बस अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी ये डाटा पता लगना चाहिए कि कितने कैंडिडेट अदर स्टेट के क्वालिफाई हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड कट ऑफ देखने से पहले हमें कुछ फैक्टर हैं उनके ऊपर थोड़ा सी चर्चा करनी होगी फ्रेंड। फ्रेंड जो हमारा रिजल्ट एग्जाम का आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था फ्रेंड। फ्रेंड जो HSC अभी फिलहाल रिजल्ट निकाल रही है वो नॉर्मलाइजेशन प्लस परसेंटाइल मेथड लगा रही है फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। फ्रेंड जो हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर 6 शिफ्ट थी फ्रेंड, और हर शिफ्ट में 4 सेट आ रहे थे, तो टोटल कितने सेट हो गए फ्रेंड, 24। तो 24 सेट होने की वजह से फ्रेंड जो आपकी कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी फ्रेंड, जिसकी वजह से हमने यह देखा है कि जो 31 तारीख के स्टूडेंट थे और 1 तारीख के और 2 तारीख के, फ्रेंड जो 1 तारीख की शिफ्ट थी ना वह टफ मानी गई थी और 1 और 2 की ईजी मानी गई थी। इसीलिए फ्रेंड यहाँ पे अगर हम देखें, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि 31 तारीख के जो कैंडिडेट थे उनके 50 से 55 के बीच में भी सिलेक्शन हो गया है, और वहीं पे एक और दो तारीख की बात की जाए तो उनके 60 मार्क्स के ऊपर भी फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड इससे हमें ये पता लग रहा है कि HSC अपने फिजिकल टाइम में ही नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर रही है, जिससे कि हमारी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगी, ऊपर नीचे जा सकती है फ्रेंड। और बात करें तो फ्रेंड जो हमारी फाइनल कट ऑफ बनेगी, अभी तो हम 80 मार्क्स ही हम ले पाए हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली, और जो हमारे 20 मार्क्स हैं फ्रेंड वह हमारे अदर हैं, इसके अंदर हमारा एजुकेशन भी आ जाता है प्लस हमारा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी आ जाता है फ्रेंड, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं जो 20 मार्क्स जो हैं वह स्टूडेंट को, लगभग जो स्टूडेंट हैं उनको 9 मार्क्स तो मिल रहे हैं, इसमें हम 70 से 80% मान सकते हैं कि इतने स्टूडेंट हैं जिनको 9 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं पे बात की जाए फ्रेंड जिनको 12 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं वह 10 से 20% है। फ्रेंड अब बात करते हैं जिन भी स्टूडेंट ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, प्लस उनके पास 12 प्लस मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन फ्रेंड 100% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं अपनी कट ऑफ के ऊपर।
देखिए फ्रेंड, यह कट ऑफ बनाई है हमने हरियाणा पुलिस की। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं मार्क्स, यह मार्क्स 100 के अंदर से है फ्रेंड। कभी आप ये मत सोचना कि ये 80 मार्क्स के अंदर से है, नहीं फ्रेंड ये 100 मार्क्स के अंदर है। फ्रेंड यहाँ पे हमने एवरेज कट ऑफ इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रेंड अभी परसेंटाइल मेथड इसमें यूज होना बाकी है। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं। फ्रेंड जो यूआर कैंडिडेट हैं, अगर उनके 53 से 57 मार्क्स बन रहे हैं तो वह अपने आप को सेफ समझ सकते हैं फ्रेंड। वहीं पे फ्रेंड बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 53 से 56 मार्क्स। बीसीबी की बात की जाए तो फ्रेंड यहाँ पे 52 से 55 मार्क्स। वहीं पे बात की जाए बीसीए की फ्रेंड, तो वहाँ पे 51 से 53 मार्क्स। और फ्रेंड उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट का जो है 48 to 52 मार्क्स फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ पे अब मैं ये वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो भी कमेंट करेंगे, तो फ्रेंड उनके लिए आपको जर्नल में आना होगा फ्रेंड। जो भी जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जर्नल से जितने मार्क्स होते हैं उतने लाने होंगे फ्रेंड, क्योंकि उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे जो 20 एक्स्ट्रा है, तो उनको यह मार्क्स जो लाने होंगे वो एग्ज़ाम के थ्रू ही लाने होंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। ओके फ्रेंड।